हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। आप सभी का वेलकम है फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो अभी बस नहा वहा के और यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ चावल, जो कल रात का मतलब कल दिन का चावल बचा हुआ था। सॉरी, कल रात का बचा हुआ था, दिन का तो ख़त्म हो गया था, रात का बचा हुआ था और ज़्यादा बच गया था। तो मैंने कहा चलो इसको फ्राई कर देते, क्योंकि इस तरह से अगर बासी चावल बच जाता है तो कोई मेरे घर खाने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको नमक, प्याज और ये सारी तड़का देके और इसको फ्राई कर देती हूँ जीरा से। तो सभी लोग खा लेते हैं, मतलब बच्चे भी बहुत पसंद से खा लेते हैं और पतिदेव भी, मम्मी, सभी लोग खा लेते हैं। और ऐसे चावल रहेगा, कल का रहेगा, बासी रहेगा तो नहीं खाते हैं लोग। तो बस उसी को फ्राई कर रही हूँ। हमने कहा इसको फेंकने से अच्छा है कि इसको जो है खा लेंगे। और क्योंकि अनाज जो है फेंकते हुए मुझे बहुत ही मतलब बहुत दुख होता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो थाली में भी एक अनाज बच जाए, मैं उसको फेंकूँ। जितना हो सकता है मैं खा लेती हूँ और कभी फेंकती नहीं हूँ, अपनी थाली का तो कभी नहीं फेंकती हूँ। उतना उसी हिसाब से मैं लेती हूँ ताकि मुझे छोड़ना ना पड़े। पर कल पापा का जो है ना, मेरे बगल में प्लाट है तो वहाँ पे पूजा चढ़ा था, मतलब पूजा हुआ था, तो थोड़ा बहुत दावत हुआ था। तो दावत हुआ, सभी लोग आए थे, तो चावल मतलब बन गया था, तो अभी बच गया था, बाकी खाना भी बच गया था, रोटी वोटी भी। तो इसको मैंने सुबह ही मतलब चाय के साथ दे दिया था गरम करके, सभी लोग खा लिए थे। चावल बचा तो उसको फ्राई कर दिए हैं, और भी जो है दाल वगैरह बनाएंगे तो खा लेंगे, वरना मुझे तो ऐसे ही चावल अच्छा लगता है। तो अभी मतलब सबको दे दिए हैं और खा पी लिए हैं, अभी थोड़ा सा बचा है, अब मुस्कान आएगी तो वो खाएगी। तो बस यहाँ पे जो है कल जो सभी लोग आए थे तो यहाँ पे बोतल वगैरह दिया गया था ना, तो मतलब ये होता है ना कि हाथ से छूते हैं, उसी हाथ से पीते हैं, तो थोड़ा जूठा टाइप का हो जाता है। क्योंकि व्रत रहते हैं, मतलब पतिदेव व्रत हैं, और जैसे व्रत वगैरह रहते हैं तो बोतल साफ़ रहती है तो अच्छा रहता है। तो इसलिए जब भी कोई गेस्ट वगैरह हो आते हैं या कोई प्रोग्राम होता है तो बोतल ज़रूर जूठी हो जाती है, बच्चे छू देते हैं। तो वही मैं इनको जो है गर्म पानी से हल्का गुनगुना और ये सारी बोतल को धुल के फिर फ्रिज में लगा दूंगी। और आज इनका व्रत है तो ये बोल रहे थे पहले बोतल फ्रिज में लगा दो धुल के, वरना मैं पानी नहीं पीऊँगा। तो इसीलिए हमने कहा चलो इसको गर्म पानी किए हैं। और हाँ, एक आप लोग मतलब इतना गर्म मत कर देना, एक बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि गर्म पानी ज़्यादा था और मैंने इसको बोतल को डाल दिया तो बोतल जो है एकदम पिघल गया था। मतलब पिघलने के क्या मतलब, वो टेढ़ा टाइप का हो जाता है जब ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है। तो इसलिए हल्का गुनगुना मैं करती हूँ और उसमें थोड़ा सा सोडा डाल देती हूँ निरमा, उससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। जितना भी इसमें मतलब मैल वगैरह होती है ना तो वो भी मतलब निकल जाता है, बोतल एकदम क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पे बोतल जो साफ़ सुथरी करके और मैं इनको फ्रिज में लगा देती हूँ, अब जिसको पीना होगा पिएगा। और 2-3 दिन में तो वैसे भी मैं साफ़ करती हूँ, 2-3 दिन में जब बोतल जो उसमें, क्योंकि नीचे जो काई टाइप का बैठ जाता है तो इसे गर्म पानी से साफ़ कर लेती हूँ। रोज़ तो नहीं करती हूँ, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में बोतल फ्रिज का बिल्कुल जो है साफ़ करती हूँ इस तरह से। और अभी जो है थोड़ा किचन की सफाई कर लेते हैं। और अभी जो है कढ़ाई में चावल बचा हुआ है, बाकी सभी लोग खा लिए हैं। मुस्कान आएगी, अभी वो स्कूल गई है तभी आएगी तो वो खाएगी। तो यहाँ पे मैं निकाल के रख देती हूँ और किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो कल कुछ प्रोग्राम हुआ था, मतलब मेरे घर में ही हुआ था, बाकी लोग आए थे कल का ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर पाई थी। तो कल बिल्कुल टाइम ही भी नहीं मिला था और सभी लोग थे तो वीडियो नहीं जा पाया है। और ये ब्लॉग जो है कल जाएगा। और पता नहीं क्यों 2-3 दिन जब भी मैं ब्लॉग लाइव करती हूँ तो तुरंत जो है येलो डॉलर आ जाता है, इसलिए मुझे 2-3 दिन तक जो है वीडियो को प्राइवेट रखना पड़ता है। ये मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, यूट्यूब वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं। कभी मुझे थंबनेल चेंज करना पड़ता है, तो कभी टाइटल, तो कभी टैग, सब कुछ चेंज करना पड़ता है। 2-3 दिन बाद जो है येलो डॉलर हो जाता है, फिर ग्रीन डॉलर हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो जब भी व्लॉग डालती हूँ तो 2-3 दिन के बाद या उसी टाइम हो जाता है, तो फिर मुझे प्राइवेट करना पड़ता है, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी नेटवर्क बिल्कुल पकड़ता ही नहीं है। और कभी कभी अपलोड करती हूँ तो 2-3 घंटे लग जाते हैं वीडियो अपलोड करने में, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा इसीलिए और ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो
तो इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाओ, फिर उसके बाद अपलोड करो, फिर उसके बाद व्यूज़ भी नहीं आ रहे इस टाइम तो ज़्यादा। मुझे कभी कभी मन करता है ना यूट्यूब ही छोड़ दे, पर क्या कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं नहीं हिम्मत मत हारो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें अच्छी मतलब सलाह देते हैं, अच्छा जो है एडवाइस देते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए कभी कभी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कि व्लॉग डालूं। कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो बोलते हैं कि तुम अब पहले से ज़्यादा व्लॉग नहीं डालते हो, तो यही प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए मुझे बिल्कुल वीडियो डालने का मन नहीं करता है। ये सारी प्रॉब्लम हो रही है जब से मतलब चैनल मोनोटाइज हुआ है, तब से ये मेरे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है। तो इसलिए 2-3 दिन गैप हो जाता है मेरे व्लॉग आने में। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया गाइस, और यहाँ पे देख सकते हो ये तरबूज आया था, सुबह लेकर आए थे, और अभी जो है 2 अभी रखा हुआ है, और एक मैं सुबह काटी थी, मम्मी तो सभी लोग खाए थे, अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए काट कर, और मुस्कान को देखते हैं खाती है कि नहीं, क्योंकि अभी वो भी स्कूल से आई है, तो अभी मैं उसको दूंगी खाना, वो तो खाएगी, क्योंकि मुझे जो है ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं, और ये मतलब ठंड में तो मिलती नहीं है, गर्मी में ही मिलती है ये सारी चीज़ें खाने का। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये स्कूल से आते ही और यहाँ पे चला दिए, टीवी देख रही है यहाँ पे। तो बस अभी मैं लेकर आई हूँ, हमने कहा चलो खा लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी सी मतलब यहाँ पे कोई मूवी चल रही थी, तो मैंने बोला इसे खाने के लिए, तो बोल रही है कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो मेरे बच्चों को ज़्यादा ये पसंद नहीं आता, सिर्फ मैं और मम्मी दो लोग बहुत ज़्यादा पसंद से खाते हैं, तो अकेले मुझे खाना पड़ा। इसको खाने के बाद पूरा पेट जो है भारी भारी सा हो जाता है, फुल हो जाता है। तो वैसे गर्मी में इसको ज़्यादा खाना ही भी चाहिए, पानी की कमी भी नहीं होगी आपकी बॉडी में। सुबह मैंने स्प्रे का बेडशीट धुल दिया था, तो अभी जा रही हूँ छत पर से लाने के लिए, सूख गया होगा। और आज जो है खुशी सुसु कर दी थी, आज ठंड था, मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ का, तो जब भी ठंड लगती है तो सुसु कर देती है। गरम चादर बोल रही थी बुआ, मुझे गरम चादर नहीं निकाली थी इसीलिए सुसु कर दिए। तो आज मुझे धुलना पड़ा, सुबह मैं धुल के डाली हूँ और अभी जा रही हूँ छत पर से लाने के लिए, तो अभी डाल देती हूँ। और धूप भी काफ़ी हो रखा है, तो यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है ना, तो इसलिए वो बच्चे जो छोटे होते हैं तो जरूर सुसु कर देते हैं। तभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लाने के लिए। तो गाइस यहाँ मैं छत पे आई थी कपड़े ले जाने के लिए, तो यहाँ पे किसी की बारात जा रही है, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे सभी लोग डांस भी कर रहे थे, तो मैं देखने लगी। और मुझे भी जैसे मतलब बारात किसी की जाती है ना, तो मुझे भी डांस करने का मतलब बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं मेरा मन करता है कि खूब डांस करूँ। तो यहाँ पे देख सकते दूल्हा जा रहा था, तो हमने कहा चलो अच्छा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। मैं गई थी छत पे कपड़े लाने के लिए, तो बस यहाँ पे नीचे आ गई कपड़े लेकर। और अभी जो है शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो बहुत सारी मतलब कॉलोनी में शादी है, तो अभी हम लोग नए आए हैं, तो अभी तो मैं किसी को यहाँ पे जानती भी नहीं हूँ, और मुझे भी बहुत कम ही लोग जानते हैं, अभी किसी से दोस्ती भी नहीं हुई है, क्योंकि नई जगह पे हम जब जाते हैं ना, तो इतना जान पहचान भी नहीं होती है, तो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। और अभी तो मुझे 1 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए, तो अभी कॉलोनी वालों से भी इतना मतलब आना जाना नहीं है, ना किसी से बातचीत है, तो अभी मतलब धीरे धीरे होगी, जहाँ रहने लगो वहाँ दोस्ती हो ही जाती है। तो पहले तो मैं आई थी यहाँ पे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैंने गोरखपुर से मतलब यहाँ पे आई थी, तो गोरखपुर की यादें कुछ हैं अभी जो बहुत याद आती है, गोरखपुर की बहुत ज़्यादा याद आती है, वहाँ के लोग याद आते हैं, पर क्या करें, जब हम लोग नए जहाँ शिफ्ट हो जाते हैं वहीं के लोगों से हो जाता है धीरे धीरे लगाव। तो बस अभी जो है ये शाम हो गई है, यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो भजन स्टार्ट हो गए यहाँ पे, और आज इनका व्रत है ना, तो मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ यहाँ पे जो है इनके लिए बनाने के लिए खाना, और यहाँ पे पराठा और हलवा बना के दे दूँगी, बाकी अपने लिए जो भी बनाना है वो बनाऊँगी, क्योंकि इनको भूख लग गई है और आज है मंगलवार। तो अभी देख सकते हो भजन हमारा यहाँ यही चलता है, और भजन सुनते सुनते जो है यहाँ पे हम लोग खाना पानी जो भी करते हैं, और सॉन्ग भी चलता रहता है दिन भर, इस तरह से म्यूजिक मेरे घर बजता ही रहता है, तो इस तरह से अकेले जो है टाइम पता ही नहीं चलता, कब निकल जाता है।
तो यहाँ पे बाबू गया था वो लाने के लिए सूजी, सूजी नहीं था तो ये गया सूजी लाने के लिए। तो अभी मैं बस यहाँ पे पराठा बना लेती हूँ, उसके बाद ही सूजी ले आ देगा, तभी मैं यहाँ पे हलवा बना दूँगी। और आज जो मीठा ही खाया जाता है ना मंगलवार के दिन, तो बस इनके लिए मीठा वही पराठा और हलवा। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं न्यू व्लॉग।